50,000 से ज्यादा तालाबों वाले बुंदेलखंड में ज्यादातर तालाब सूखे हैं। भूगर्भ का जल स्तर विगत 3 वर्षों में 2 से 2.5 मीटर नीचे चला गया है। जहां देश भर से पानी की किल्लत की खबरें आ रही हैं, वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां की स्थिति देखने पर ज्ञात होता है कि तालाब भरे हुए हैं। कुओं में पानी का जल स्तर 10 से 15 फीट पर है। बांदा जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में विकासखंड महुआ के जखनी गांव की तस्वीर दूसरे गांव से बिल्कुल अलग है। गांव में स्थित तालाबों में भरा पानी और आसपास की हरियाली बताती है कि इस गांव में पानी की एक बूंद सहेजने की कोशिश की गई है। इसमें चारों ओर गांव के किनारे 5 तालाब है, जिसमें बड़ी दाई तालाब व गांव का बड़ा तालाब में आज भी पानी लबालब भरा हुआ है। कहते हैं कि मन में जब कुछ करने का जज्बा हो तो समस्या भी विकास की राह खोल देती है। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद बांदा में अमृत सरोवर विकसित किए जाने की पहल की गई, जिसके तहत विकास खंड महुआ के ग्राम जखनी में बड़ा तालाब का चयन किया गया। इस तालाब पर विभिन्न विकास कार्य कराए जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा एवं 15वें वित्त की धनराशि से ₹17 लाख की धनराशि का आगनन गठित किया गया। अमृत सरोवर के अंतर्गत तालाब में विभिन्न तरह के कार्य संपन्न कराए गए। इस आगनन में तालाब का प्रवेश द्वार, तालाब के चारों ओर तार फेंसिंग, पाथवे, वेंच निर्माण, घाट निर्माण, रैंप निर्माण, बड़े वृक्षों के चबूतरे, मंच निर्माण, इनलेट व आउटलेट के सुदृढ़ीकरण आदि का कार्य प्रारंभ कराया गया। जल की पर्याप्त उपलब्धता होने की वजह से मछली पालन, कृषि व्यवसाय, बच्चों के लिए जल क्रीड़ा जैसे संसाधनों का विकास हो रहा है। मुसीबत में काम आए मुसीबत में काम आए वो तो मनरेगा है। मुसीबत में काम आए वो तो मनरेगा है। गांव और गरीब की आस मनरेगा है। गांव और गरीब की आस मनरेगा है। गांव और गरीब की आस मनरेगा है। सब काम करे देश को संवार दे। आओ सब काम करे देश को संवार दे। मनरेगा में काम करे उसे रोजगार दे। मनरेगा में काम करे उसे रोजगार दे। मनरेगा में काम करे उसे रोजगार दे। मनरेगा है।
मनरेगा में और गरीब की आस मनरेगा है, गाँव और गरीब की आस मनरेगा है, गाँव और गरीब की आस मनरेगा है, गाँव और गरीब की आस मनरेगा है। कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं स्थलीय भौतिक सत्यापन श्री राघवेंद्र तिवारी, उपायुक्त मनरेगा, श्री संजीव कुमार बघेल, खंड विकास अधिकारी महुआ, श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी द्वारा समय समय पर किया गया। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव श्री शशि प्रकाश एवं तकनीकी सहायक श्री सुरेंद्र गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा। मुख्य विकास अधिकारी बांदा एवं जिलाधिकारी बांदा द्वारा भी समय समय पर समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। नीति आयोग भारत सरकार के जल संरक्षण समिति के सदस्य श्री उमाशंकर पांडे, जो कि ग्राम जखनी के ही निवासी हैं, के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस कार्य को कर पाना संभव हो पाया है। आइए हम सब भी इस अभियान में अपनी भूमिका तलाशें और जखनी ग्राम की तरह अपने ग्राम को भी जलमय बनाएं।